दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून से लेकर 22 जून तक होने वाला है। वहीं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये फाइनल मुकाबला होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों टीमों की कन्फर्म प्लेइंग 11 के बारे में। इंडियन टीम की प्लेइंग 11 क्या रहेगी और वहीं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। विराट कोहली कौन से 11 खिलाड़ी के साथ जाने वाले, इंडिया के टाइम अनुसार ये मुकाबला कितने बजे आने वाला है और कौन से चैनल पर और मोबाइल में कौन से ऐप पर आप लाइव देख सकते हो। वहीं साथ में प्रेडिक्शन भी बताने वाला कौन सी टीम ये फाइनल मुकाबला जीत सकती है। तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों अगर आप फैंटेसी लीग ड्रीम 11 या फिर क्रिकेट के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आइए चलो सबसे पहले देखते हैं दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो प्लेइंग 11 रहने वाली है, रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करने वाले हैं। वहीं 3 नंबर पर चेतेश्वर पुजारा रहने वाले हैं, 4 नंबर पर विराट कोहली रहने वाले हैं और 5वें नंबर पर अजिंक्य रहने वाले हैं और 6 नंबर पर ऋषभ पंत, 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा, 8वें नंबर पर रविचंद्र अश्विन, 9वें नंबर पर ईशान शर्मा रहने वाले हैं। वही 10 नंबर की बात करें तो जसप्रीत बुमराह रहने वाले हैं, 11वें नंबर पर मोहम्मद शमी रहने वाले हैं। तो ये कंफर्म प्लेइंग 11 रहने वाली है। एक दो खिलाड़ी में बदलाव हो सकते हैं, जो मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। वहीं केएल राहुल की जगह मयंक अग्रवाल या फिर शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। वहीं अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में। तो न्यूजीलैंड की जो प्लेइंग 11 रहने हैं, टॉम लेथम और टॉम ब्लेंडर ये दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। वहीं 3 नंबर पर केन विलियम तो जो कैप्टन रहने वाले हैं, 4 नंबर पर रॉस टेलर रहने वाले हैं, 5वें नंबर पर हेनरी निकोलस, 6 नंबर पर बीजे वटलिंग, 7 नंबर पर मिचेल सेंट्रन, 8 नंबर पर केल जिमसन, 9 नंबर पर टीम शाउती, 10वें नंबर पर नील वैगनर और 11वें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में रहने वाली है। वहीं इंडियन टीम में एक दो खिलाड़ी बदलाव हो सकते हैं लेकिन न्यूजीलैंड कन्फर्म यही प्लेइंग 11 के साथ जा सकती है। वैसे तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी प्लेइंग 11 के साथ इंडियन टीम और न्यूजीलैंड टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेगी, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं इंडिया के टाइम अनुसार ये मुकाबला कितने बजे आने वाला है। तो इंडिया के टाइम अनुसार ये मुकाबला दोपहर को 3:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है 18 जून को। बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। तो लाइव टेलीकास्ट अगर आपको देखना तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास सारे राइट्स हैं। स्टार स्पोर्ट 3 हिंदी, स्टार स्पोर्ट 3 HD हिंदी, ये दो चैनलों पर हिंदी में भी दिखाया जाने वाला और जितने भी चैनल है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला दिखाया जाने वाला है। वहीं अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो लाइव स्ट्रीमिंग आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों ही लैंग्वेज में आने वाला है। वहीं अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। तो प्रेडिक्शन में दोनों ही टीमों का पलड़ा भारी है। वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के जो वर्ल्ड कप अंडर-19 का हुआ था, केएन विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और टीम साउथी ऑलरेडी सेमीफाइनल खेल चुके। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला होने वाला है। तो 90% चांसेस है इंडियन टीम जीतने के, वो ऐसे 10% है न्यूजीलैंड के। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।